मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 6,51,00,000 रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया और चिटफंड कंपनी के 1,57,00,000 रुपए की राशि 17,127 निवेशकों को वितरित की। मुख्यमंत्री बघेल ने जिले में 14,74,00,000 रुपए की लागत से स्थापित 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किया। सीएम ने खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के निर्माण और खैरागढ़ महोत्सव के लिए सभी को हार्दिक बधाई दी। इस दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सौगात और उपलब्धियों की जानकारी दी। कला संगीत विश्वविद्यालय यहाँ जिस प्रकार के विश्वविद्यालय 1956 से बना है, लेकिन और विस्तार नहीं पा पाया। तो अभी इसके बादल बहुत बड़े संस्था बना है, बस्तर आर्ट डांस और लिटरेचर तो बहुत बड़ा परिसर है। मैं खोल भी गया हूँ, दो बार गया हूँ, तो दर्पण ही मैंने किया और वहाँ के लोकल डिग्रीज है और वहाँ के कलाकार है, संगीत है, सब का वहाँ अवसर वहाँ मिलता है। तो उसके भी संबद्ध करने के बाद उसी प्रकार से खैरागढ़ के साथ रायगढ़ भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुंदर समारोह वहाँ होता है, संगीत की वहाँ साधना होती है और सरगुजा भी है और तिरुपति जी ने रायपुर में भी मांग की है। तो इसी तरीके से विचार करेंगे और आने वाले समय में